माई फेवरेट बर्गर, मतलब मैं जब भी गुड़गांव आती हूँ ना तो मैं यहाँ का जो बर्गर है वो खाती खाती हूँ। और मुझे ऐसा लगा, मतलब मुझे पर्सनल ऐसा फील हुआ कि क्या तुम लोगों के साथ तो शेयर करना बनता है, क्योंकि यू आर माई फैमिली, है ना, फैमिली है तो फैमिली के साथ शेयर करना बनता है कि भाई साहब मेरा फेवरेट बर्गर कहाँ का है और उसका टेस्ट कैसा है, क्यों है। ठीक है, अगर वैसे मेरी गुंजाइश रही तो मैं एक दो चीज़ें और खा लूँगी। फिलहाल मैं आपको बता दूँ मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ हुड्डा मेट्रो स्टेशन में, गुड़गांव में जैसे आते हैं सेक्टर 44 में पड़ता है हुड्डा मेट्रो स्टेशन, और वहीं पे है वेंडी का बर्गर। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो आपने देखा होगा कि मैं कितना क्रेजी हूँ वेंडी के बर्गर के लिए, क्योंकि मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा। सो गाइस देरी नहीं करते हैं, अभी जो है 8 बज रहे हैं, 8 बजे अभी इतना रश नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, मेट्रो स्टेशन है थोड़ा रश तो होगा ही, तो जाते हैं अंदर ट्राई करते हैं यहाँ का बर्गर जो कि मैंने बड़ी बार खाया है। इस बार मैं आपको दिखा के खाऊंगी कि कैसा है, टेस्ट कैसा है, और इसका प्राइस भी भाई बहुत सस्ता है, हद से ज़्यादा। टेस्ट तो बढ़िया ही है, प्राइस भी बहुत सस्ता है। सो चलो अंदर चलते हैं, आपको सारा मेन्यू टेस्ट सब बताते हैं। सो आ जाओ, लेट्स गो, सूर्या के साथ आ जाओ खाते हैं। हुड्डा मेट्रो स्टेशन जैसे ही पहुंचोगे ना आप, वैसे थोड़ी सी आगे जाके वहां आता है साउथ कोर्ट, वहीं पे है वेंडी का बर्गर, वैसे आपको बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा, तो चलो अंदर चलते हैं खाते हैं यहाँ के टेस्टी टेस्टी बर्गर। सो गाइस तुम यहाँ के प्राइस देख सकते हो, बहुत नॉमिनल है, पर प्राइस को छोड़ो, अगर प्राइस की बात ना भी करें ना तो टेस्ट तो लाजवाब है। मतलब मैं कहूँगी यार, तुम कभी भी आ रहे हो ना गुड़गांव दिल्ली वाली साइड तो पक्का यहाँ पे ट्राई करना, मेरे कहने में ना पक्का करना। तो चलो खाते हैं यहाँ का बर्गर, अभी मैं ऑर्डर कर रही हूँ और थोड़ा सा पोज कर रही हूँ, सो चलो चलते हैं खाते हैं। सबसे पहले आ गया है हमारा स्पाइसी आलू क्रंच, ये देखो इसमें जो आलू रहते हैं, ये देखो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, एकदम क्रिस्प, ये देख रहे हो, ये ऐसे होते हैं, मतलब स्पाइस देखो और आलू को बिल्कुल इन्होंने फ्लैट किया हुआ है, एकदम फ्लैट, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। साथ में डाली है इन्होंने एक सॉस, तो देरी नहीं करते हैं उसको खाते हैं। मुझे स्पाइसी आलू क्रंच हद से ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं जब भी आती हूँ ना गुड़गांव तो तब मैं ये वाला खाती हूँ, ये मेरा फेवरेट है। बन टिक्की मुझे इतनी पसंद नहीं है, पर स्पाइसी आलू क्रंच इतना क्रिस्पी होता है, स्पाइसी मतलब होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक होता है। बन टिक्की की अगर बात करें तो बन टिक्की भी ना कम नहीं है, बहुत टेस्टी थी, बस फ़र्क इतना था कि आलू क्रंच कुछ ज़्यादा क्रंची था और बन टिक्की थोड़ी सी क्रंची कम थी, पर दोनों टेस्ट करना बनता है यार। टेस्ट करता है
बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये बहुत ट्राइंग नहीं है। आइस टी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी पहले, तो मैं नीचे गई, मैंने उनको बोला कि इसका जो फ्लेवर है शुगर कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, तो उन्होंने मुझे चेंज करके दिया है, तो ट्राई करती हूँ वैसे। तो मैं अच्छा था, अच्छी थी, अब अच्छी है, पहले मैंने जैसे बताया टेस्ट नहीं आ रहा था। मैं जान लगी हूँ अपनी दूसरी जगह जो मेरी बहुत अच्छी अच्छी फेवरेट है, और देखते हैं मिलती है खुला हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं पिछली बार गई थी फूड चैलेंज के लिए तो वो बंद था, सो जस्ट होप कि खुला हुआ हो। इस टाइम लोग आ जा रहे हैं, इतने भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, लोग यहाँ पे बस चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, कोई सांस लेने का टाइम नहीं है, और मैं यहाँ पे फूड व्लॉग शूट कर रही हूँ। आई लव माई जॉब यार, आई लव माई जॉब। सो चलो चलते हैं अंदर, आई होप खुला हुआ हो, आई होप भगवान करे खुला हुआ हो। गाइस यहाँ पे ना बड़ा कुछ मिलता है, सस्ता सस्ता भी मिलता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ये साइड पे बर्गर है, तो चलो अंदर चलते हैं। इतनी ज़्यादा गंदी किस्मत है, इतनी ज़्यादा, मतलब मैंने वैसे जाना था डंकिन डोनट्स, और डंकिन डोनट्स बंद है, मेरा इतना मन है ना डोनट्स खाने, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर डोनट्स तो है नहीं अभी, पर चलो। तो मैंने ना डोमिनोज कुछ तो खाना है ना यार, मतलब मीठा खाने का बड़ा क्रेव हो रहा था। अभी जो है हमने बर्गर खाया, फ्राइज खाई और आइस टी पी। अब मैंने जो ऑर्डर किया है यहाँ पर बिल्कुल बैक साइड ही मेरे डोमिनोज है, और डोमिनोज से मैंने जो टेस्ट नहीं किया है वो ऑर्डर किया है, ये है रेड वेलवेट, जो रहता है रेड वेलवेट चोको लावा केक, रेड वेलवेट केक। सो ये रहा हमारा रेड वेलवेट, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और ये ना नया नया मेन्यू में आया है, तो चलो इसको खा लेते हैं। क्या करना है यार, मैं तो बड़े ऐसे सोच के आई थी भाई आज तो मैं ना डोनट खाऊंगी, पर डोनट नसीब में नहीं था, किसी और दिन आप लोगों को ले जाऊंगी। तो ये देखो रेड वेलवेट आ गया हमारा, नाइस यार, खुशबू इतनी टेस्टी आ रही है, जैसे जैसे मैं घर पर बेक करती हूँ ना, और वो खुशबू आती है केक की, बिट्टू ऐसी आ रही है, इतनी प्यारी मीठी मीठी सी। चलो देरी नहीं करते हैं। वाह ये देखो गाइस, एकदम मोल्टन लावा रेड वेलवेट केक है ये, टेस्ट करके बताते कैसा है। पहली बार टेस्ट करने वाली हूँ मैं, और इसका प्राइस मेरा टैक्स वैक्स लगा ना 135 रुपये, 135 रुपीज़ काटे हैं इन्होंने। तो चलो गाने बहुत लगे यार यहाँ पर, गलियाँ गलियाँ, गर्मा गर्म जो केक खाने का मज़ा है ना, वो भी मोल्टन लावा, मतलब उसके अंदर एकदम भरा पड़ा हो ये, और क्या खाने का मज़ा जो है ना, कोई बात नहीं, डंकिन डोनट नसीब में नहीं था, पर रेड वेलवेट हुआ। आज हमने रेड वेलवेट रिव्यू किया है, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो ये एक्चुअल में एक फूड रिव्यू है। सो गाइस मैं खाती हूँ अपना ये रेड वेलवेट, अच्छा है, टेस्टी है। वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और कमेंट सेक्शन में पक्का लिखना कि आपको चोकोलावा केक में से, या अगर आपने ये टेस्ट किया है, तो दोनों में से कौन सा पसंद है। वैसे मुझे दोनों ज़्यादा पसंद है। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। मैंने छोटा सा, मेरी कोशिश थी कि मैं जो मेरा फेवरेट जगह है बर्गर की, वो मैं आपको वहाँ लेके जाऊँ। सो बाय, टेक केयर, सी यू।